महामारी से लड़ना है, इसलिए हिंदुस्तान के लोगों ने कष्ट सहन किया, झेला, नहीं तो विद्रोह होता। इसमें कई देशों में इसका खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, आंदोलन हुआ। 15 दिन 5 दिन 7 दिन से भाई लॉकडाउन करेंगे लोग तैयारी, ये झटपट क्या है अब समझा जा। 1 जनवरी में केरल में संक्रमित पाए गए, उसके बाद विदेश से अपना लोग को मंगाया गया, और उसके बाद केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को रोकना था, सब उड़ान को रोक दिया, कोई लॉजिक नहीं। तो जिन दिनों नहीं था, बीमारी बहुत कम थी, बहुत संक्रमण अपने देश में कम था, तो उन दिनों लॉकडाउन कर दिया, अब तो बीमारी बढ़ रही। अब तो हम 7वां में चले गए देश में, चीन को हमने पछाड़ दिया है। आपदा से, कोरोना से पीड़ा के मामले में चीन को हमने पछाड़ दिया, उससे ज्यादा लोग संक्रमित हो गए, उससे ज्यादा लोग मृत्यु के कगार पर चले गए। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर ने क्या कहा, तो नॉर्मली ये सब बीमारी से कम ही मरते जितना कोरोना से यहाँ लोग बढ़े। देश के पहले से ही आर्थिक मंदी चल रही थी, नोटबंदी के वक्त से हमारा जीडीपी ग्रोथ नीचे जा रहा था, अब हमारा जीडीपी ग्रोथ 0 से बढ़कर के नीचे माइनस पर जाएगा, ये सब अनुमान लोगों ने लगाया है। इसका लॉकआउट से क्या दुष्परिणाम निकला है, 12 करोड़ से ज्यादा, 12 करोड़ 40 लाख लोगों की नौकरी चली गई, काम चला गया, रोजगार छीन गया, कहां से खाएंगे। 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इसके 1 करोड़ 40 लाख लोग तो भुखमरी के कगार पर चले गए, ज्यादा मार्जिनल स्थिति में चले गए, उनका कोई ख्याल नहीं किया गया। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, वो जुमला पैकेज है, 20 लाख करोड़ में 2.25 लाख करोड़ छोड़ करके बाकी बजटीय उपबंध है, ऋण है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और कहा गया से 20 लाख करोड़ सब हिसाब जोड़कर 20 लाख करोड़। इनका वित्त मंत्री धारावाहिक 5 दिनों तक सबका व्याख्यान करते रहे, मैंने जनता को बरगलाने का काम, अच्छी ट्रिक और चालाकी से कोई देश नहीं चला करता, ये चालाकी से देश को बरगलाने का काम, 20 लाख करोड़ दिया, इसलिए 20 लाख करोड़ से कोई इसका समाधान नहीं होने वाला है, भुखमरी होनी है।